ये जो 10th मंडल है ऋग्वेद का, इसमें एक सूक्त है और उसे कहा जाता है पुरुष सूक्त। क्या कहा जाता है? पुरुष। सूक्त। अब इस सूक्त में है क्या? यही वो सूक्त है जिसमें ऋग्वेद में एकदम आखिरी के टाइम पर, क्योंकि 10th मंडल है तो ये समझ सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड की शुरुआत हो जाएगी बस इसी मंडल से, इसके बाद से। यही वो मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त है, और इसी पुरुष सूक्त में पूरा जो समाज था उसको एक ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए एक नया सिस्टम इमर्ज किया। पहली बार वर्ण सिस्टम या वर्ण व्यवस्था के लिखित प्रमाण कहाँ पे लिखे? पहली बार उसको कहाँ मेंशन किया गया? 10वें मंडल में। और 10वें मंडल में भी कहाँ पर है? पुरुष सूक्त में। ठीक है, तो यहां लिखोगे फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ण सिस्टम वॉज मेंशनड इन पुरुष सूक्त। ऑफ 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था को पहली बार, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शामिल किया गया। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल? 10वां मंडल। 10वें मंडल का कौन सा सूक्त? पुरुष सूक्त। और उसमें क्या है? वर्ण व्यवस्था। यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है इस एक लाइन से। ठीक है, अब देखो, जब ये पुरुष सूक्त आया तो इसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट सामने रखा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रजापति ब्रह्मा। लिखो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रजापति ब्रह्म। यस, ये जो वर्ण सिस्टम है ना, ये वर्ण सिस्टम, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित है? ये प्रजापति ब्रह्म के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे लिखो द वर्ण सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रजापति ब्रह्म। प्रजापति ब्रह्म के सिद्धांत पर आधारित है वर्ण व्यवस्था। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आवश्यकता थी कि वर्ण व्यवस्था को स्वीकृति दिलाने के लिए प्रजापति ब्रह्म का कॉन्सेप्ट आया? देखो, इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब किसी भी नए ऑर्डर को ऑथेंटिकेट बनाया जाए, या ये कहें कि हम उस टाइम पे चाहे रूलर्स हो या रिलीजन हो, अपनी बात को स्वीकृति दिलाने के लिए उसे किससे जोड़ा जाता है? उसे कहीं ना कहीं डिवाइन सोल से, या डिवाइन जो अथॉरिटी है उससे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना ये प्रजापति ब्रह्म का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इसके लिए हो सकता है आप बहुत बार पहले पढ़ भी चुके हो, कुछ मिसकंसेप्शन आपके माइंड में होगा तो वो आज क्लियर हो जाएगा। इसे आप रिलीजन प्लस लॉजिकली सोच के देखना।
ठीक है, कैसे सोचोगे आप? रिलीजन के पर्सपेक्टिव से भी सोचोगे और साथ में लॉजिकली भी सोचोगे। अब लॉजिक ये है, जब भी हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था थी क्या, वर्ण व्यवस्था क्या थी, और फिर इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकृति दिलाने के लिए प्रजापति ब्रह्म के सिद्धांत की क्या आवश्यकता पड़ी, या इससे किस तरीके से इसको सपोर्ट दिया गया, वो हम समझेंगे। तो पहले देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। वर्ण व्यवस्था में क्या किया गया, जो पूरी सोसाइटी थी उसको चार वर्णों में विभाजित कर दिया गया। वर्ण व्यवस्था में क्या कर दिया गया, चार वर्णों में विभाजित कर दिया गया। और वो चार वर्ण कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र मींस जो पूरी सोसाइटी थी उसको चार वर्णों में विभाजित कर दिया। अब ये जो चार वर्ण बनाए उन्होंने, इन चार वर्णों को ऑथेंटिकेट करने के लिए, स्वीकृति दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रजापति ब्रह्मा। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी पूरी जो आपको दिखाई दे रहा है नेचुरल ऑर्डर, पूरा जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ये किसकी रचना है, ये प्रजापति ब्रह्म की रचना है। प्रजापति ब्रह्म के मुख से जिनका, जिनकी रचना हुई, मींस जिनको प्रजापति ब्रह्म के मुख से क्रिएट किया गया, उनको क्या कहा गया, ब्राह्मण। प्रजापति के मुख से जिनकी रचना हुई वो कौन हो गए, ब्राह्मण हो गए। प्रजापति ब्रह्म के भुजाओं से जिनकी रचना हुई वो कौन हो गए, क्षत्रिय। प्रजापति ब्रह्म के जंघाओं से जिनकी रचना हुई वो कौन हो गए, वैश्य हो गए। और प्रजापति ब्रह्म के चरणों से जिनकी रचना हुई वो कौन हो गए, शूद्र हो गए। अब इसके पीछे का माइंडसेट देखना। ये तो कहते हैं लोग कि रीजनल डिवीजन था। अब लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो तो आप एक काम करो, यहां पे आप मेंशन करो कि मान लीजिए कोई एक समाज है और इस समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, अब ये वो लोग थे ज्ञानी लोग, स्कॉलर्स, जिन्होंने अपने आसपास के जितने नेचुरल फोर्सेस थे ना, उनकी भी ड्यूटीज असाइन कर दी थी, उनकी भी ड्यूटीज असाइन कर दी थी कि वर्षा कौन करता है, इंद्र, है ना। वायु किसके नियंत्रण में है, वायुदेव या वरुण। जल पे नियंत्रण किसका, वरुण का, अग्निदेव। मतलब ये कि वो लोग जिन्होंने अपने सराउंडिंग की जितनी एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी, उसके लिए भी क्या कर दिया, जिम्मेदारियां सुनिश्चित कर दी, उसको भी कनेक्ट कर लिया ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे। इसीलिए तो उनको पर्सोनिफाई किया किया ना। अब आप सोच के देखिए कि वो लोग जो नेचुरल फोर्सेस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, क्या उनकी दृष्टि कभी अपने ग्रुप पे नहीं पड़ी होगी, ध्यान दिया होगा ना, तो उन्होंने ध्यान दिया होगा। तो अब उनके काम में क्या क्या शामिल था, कृषि करते थे, थोड़ा बहुत व्यापार, है ना, लड़ाकू थे और विद्वान थे, यही खूबियां थी ना उनमें। तो उन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, हम आपस में अपने आप को भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं,
ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, मतलब व्यवस्थित कर लेते हैं अपने समाज को। समाज कैसा था उनका? उनका समाज था कबीलाई समाज। कैसा समाज था? कबीलाई समाज था। अब एक कबीलाई समाज ये सोचता है कि हम अपने आप को भी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अब आप बताइए, ऑर्गेनाइज अगर करते हैं आप किसी भी ग्रुप को, तो आप क्या कहोगे कि जो हमारी मुख्य क्रियाएं हैं, जो मेन जो हमारी एक्टिविटीज हैं, उनके लिए जिस जिस में स्किल है, कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से हम अलग अलग ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। यही होता है। तो उन्होंने कहा कि जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास ज्ञान है, जो जो वेदों की रचना कर सकते हैं, जो वेदों का पठन और पाठन कर सकते हैं, जो वेदों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, ब्रह्म का ज्ञान प्रसार कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? क्योंकि वो ब्रह्म का ज्ञान प्रसार कर रहे हैं, इसलिए वो ब्रह्म का ज्ञान फैलाने वाले ब्राह्मण हो गए। तो जिनके पास, मतलब इनमें से सबके दिमाग तो बराबर चलते नहीं होंगे, सबके सब विद्वान नहीं होंगे, तो जो विद्वान थे, जो ब्रह्म के ज्ञान को प्रसार कर सकते थे, जो स्कॉलर्स थे, उनके लिए क्या शब्द यूज किया गया? क्योंकि ब्रह्म के ज्ञान का प्रसार करना, ठीक है, दैट मीन्स ब्राह्मण। ब्रह्म शब्द से क्या बन गया? ब्राह्मण। और अब ब्राह्मण की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? जो मोस्ट स्कॉलर थे, विद्वान थे, वो क्या हो गए? ब्राह्मण हो गए। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई टू स्प्रेड नॉलेज ऑफ ब्रह्म। अब नॉलेज को स्प्रेड करना, ज्ञान का प्रसार करना, ज्ञान का प्रसार कैसे होगा? वेद या वैदिक साहित्यों को लिखकर और उनको आगे पहुंचाकर, उनका अध्ययन करा के, उनको पढ़ा के, यही होगा ना। तो अब जो लोग रेगुलरली वेदों की रचना में या वैदिक ग्रंथों की रचना में लगे या वेद पढ़ाने में लगे, वो लोग कैसे हो गए? संस्कृत भाषा पे उनकी कमांड होती चली गई, सबसे उस समाज में सबसे विशिष्ट होता चला गया वो वर्ग। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज हो चुका है, वो डिसाइड हो चुका है, ये लोग करेंगे ये काम। जब डिसाइड हो गया तो क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन आ गया। डिसाइड हो गए कि ये लोग करेंगे ये काम, तो क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन हो गया। आप डिस्कशन लिख रहे हो कहीं? ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा, क्योंकि हमारा जो जो समूह है, जो कबीला है, वो कैसा है? लड़ाकू भी तो थे, युद्ध भी तो करने पड़ते थे। तो उन्होंने कहा कि हम में से जो भी शस्त्र उठाना जानता हो, शस्त्र जानता हो, जिसे शस्त्रों का ज्ञान हो, जो लड़ाई कर सके, युद्ध कर सके, ठीक है, वो क्या हो? एक समूह में आ जाएं। उनको एक साइड में ऑर्गेनाइज कर दिया। और जिनको शस्त्र उठाना आता हो, शस्त्रों का ज्ञान हो, शस्त्रों का उपयोग करना आता हो, उनको क्या कह दिया? क्षत्रिय। शस्त्रों से क्या शब्द आ गया? क्षत्रिय आ गया। अब ये कहा गया कि जो उत्पादन के काम में लगे हुए हो, चाहे वो कृषि हो या व्यापार हो, जो उत्पादन में लगे हुए हो, सर्विस सेक्टर में हो, वो मीन्स ट्रेड में हो, वो क्या करेंगे? अब देखो, एक वर्ग बन चुका ब्राह्मण का। अब उनका काम तो हो गया वेद लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, है ना। एक वर्ग कैसा हो गया? जो युद्ध के लिए प्रैक्टिस करेगा। अब वो सुबह से शाम तक जब भी अभ्यास करेगा, किसका अभ्यास करेगा? युद्ध का अभ्यास करेगा। अगर वो व्यक्ति युद्ध का अभ्यास कर रहा है, तो उसका परिवार क्या खाएगा, है ना। अगर एक व्यक्ति ब्रह्म की नॉलेज के लिए उसमें रिसर्च कर रहा है, वैदिक ग्रंथ लिख रहा है, उसको पढ़ा रहा है, जिसका सारा दिन इस काम में जा रहा है, उसका परिवार क्या खाएगा? तो अब उनके उनकी जिम्मेदारी किसको दी गई? कि अगर ये वर्ग सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, सबकी सुरक्षा कर रहा है ना, वो सिर्फ अपने परिवार को थोड़ी बचा रहा है, तो उसके परिवार के लिए
जो प्रोडक्शन का काम होगा, जो उत्पादन का काम होगा, वो भी तो किसी को असाइन किया जाएगा कि आप लोग उत्पादन के काम में लगोगे। उनको क्या कहा गया? वैश्य। अब एक वर्ग ऐसा बचा जिन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम स्पेशली हम वेदों की तरफ नहीं गए, या हम क्षत्रिय वर्ण में नहीं गए, या हम वैश्य वर्ण में नहीं गए, लेकिन ये वो लोग थे जो तीनों वर्णों की मदद करते थे, असिस्ट करते थे, सहयोग करते थे। तो उस वर्ण को किस कैटेगरी में रख दिया? किस वर्ण में रख दिया? शूद्र वर्ण में, मतलब सहायक। तीनों का सहायक वर्ग वर्ण था शूद्र वर्ण, समझ गए? जिनकी आवश्यकता तीनों वर्णों को पड़ती थी, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, जो हमारी आर्मी है, मिलिट्री है, वहां पर क्या सबके सब सिपाही भर्ती होते हैं? उन सिपाहियों के को जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, उन सर्विसेज के लिए भी तो रिक्रूटमेंट होती है ना। तो उस तरीके से आप सोचिए कि यहां पे सोसाइटी को क्या किया गया, सोसाइटी की जिम्मेदारियां सुनिश्चित कर दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर असाइंड टू ईच एंड एवरी वन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं इसे। हाँ, मतलब वर्ण व्यवस्था को देखा जाए तो क्या थी वर्ण व्यवस्था? समाज को व्यवस्थित करने वाली व्यवस्था थी ये। और समाज को व्यवस्थित किया किस आधार पे किया? उनके कौशल के आधार पर व्यवस्थित किया, उनके ज्ञान के आधार पर व्यवस्थित किया गया। वो व्यक्ति के जीव वो अलग हो जाता है वर्णाश्रम, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक वो अलग है, ये वर्ण अलग है, ठीक है। ये चार वर्ण हो गए, इतना समझ में आ गया सभी को? तो अब ये जो कॉन्सेप्ट था सुव्यवस्थित, इसको किया गया पूरे समाज को, लॉजिकली बताइए कि ये सही था या नहीं था? सही था। और देखो, कोई भी जब व्यवस्था होती है, शुरुआत उस व्यवस्था के जिस तरीके से होती है, जिस माइंडसेट, जिस उद्देश्य के साथ होती है, वो माइंडसेट अलग होता है। जिस समय वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, तब उद्देश्य क्या था? समाज को व्यवस्थित करना, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारियां सुनिश्चित करना था इसका उद्देश्य। अब जब हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन हो जाती हैं, तो क्या होता है? बेस्ट प्रोडक्टिविटी आती है। अब आपने, अब छोटा सा एग्जाम्पल खुद से लो, आपको कहा गया एक एक पर्सनालिटी के ऊपर आपको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है, सिर्फ एक के ऊपर प्रिपेयर करना था। कितना टाइम लगता है? 15 से 20 मिनट। ईमानदारी से बताना कितना ऑर्गेनाइजेशन रहा आपके अंदर, कहीं था कहीं नहीं था। वहीं पे अगर हम आपके नाम के साथ एक एक पर्सनालिटी अटैच कर देते तो क्या होता? कर लेते ना तैयार। यही फर्क होता है। जब ये होता है कि 3 से 4 काम करने हैं, तो अब मान लीजिए एक योद्धा बनने लायक कोई व्यक्तित्व है, साहसी भी है, सब कुछ है, उसको लगाया हुआ है खेती किसानी करने में, व्यापार में लगाया हुआ है। अब है वो बिल्कुल कैसा? योद्धा जैसा। काम में दूसरे में लगाया हुआ है, काबिलियत कुछ और है, काम कुछ और कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी सही होगी क्या? नहीं होगी ना। तो उसकी प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए क्या किया जाए? जो कुशलता हो, जो कौशल हो, जो स्किल उसके अंदर हो, वही काम उसे असाइन किया जाए। इससे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा बताइए? इससे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है। अगर वर्ण व्यवस्था को न्यूट्रल लेवल से देखा जाए, धर्म को बीच में ना लाकर सिर्फ लॉजिकली इस व्यवस्था को देखा जाए, तो पूरे विश्व की सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी ये, समाज को व्यवस्थित करने की सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी ये, जहां पर ईच एंड एवरी वन वाज असाइंड टू अ पर्टिकुलर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी।
प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई थी, और ऐसे नहीं कि तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो, मन में आया उसे बोल दिया, नहीं, उसकी काबिलियत के हिसाब से बोला गया था। और अब आप सोचिए, अगर आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको जब काम दिया जाता है तो आप क्या करते हो, उस काम को मन से करते हो।